हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो सेल बायोलॉजी है उसका एक टॉपिक लेके आए हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और ये जो टॉपिक है ये कॉमन हमारे कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये है नेट, गेट, बार्क, डीबीटी, आईसीएमआर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी एंड बीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्या है। ये कॉमन टॉपिक रहता है सभी क्लासेस में एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हैं ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर एंड ये है यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल में हम है ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रखे गए हैं, जब सॉरी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, बहुत सिंपली ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इकोलाई, ये सब क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रखे गए हैं। इनके स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी होती है प्रोकैरियोटिक की कंपेयर टू यूकैरियोटिक। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में कितने सारे ऑर्गेनेल दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या है बहुत थोड़े से ही ऑर्गेनेल दिए हुए हैं। हम इसके स्ट्रक्चर जो है उसको बाद में क्लियरिफाई करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल। हम ये तो देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है छोटा सा, मतलब कि हमारी जो सेल है वो क्या होती है। तो सेल क्या है, इस सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब होता है, जो एक सिंगल सेल होती है यही आपस में मिलकर के क्या है हमारी बॉडी की या पूरे ऑर्गेनिज्म की क्या है फॉर्म करती है। यह इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या है हमारे काफी सारी जो सेल्स होती है ये मिलकर के क्या है टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इससे क्या है पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट बोला गया है सेल का, क्योंकि इसी से हमारे आगे जाकर के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर मसल्स, बोन एंड अदर ऑर्गन्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये चीज आपको पता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर है द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, दे आर वेरी स्मॉल सो वी कैन नॉट सी देम विथ योर आईज। जो हमारी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, हम इनको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। फिर है एवरी सेल इज कम्पोज बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है हमारे न्यूक्लियस एबसेंट होता है। अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा रहता है, प्रीमिटिव टाइप का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से सेल क्या होती है, सिंपली अगर हमें हम किसी को अगर डिफाइन करना चाहे तो सिंपली सेल होती है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे हमारे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एंड ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है हमारे मसल्स की, बोन्स की, हमारे ऑर्गन्स की एंड जितने भी लिविंग थिंग्स जो हमारे बने रहते हैं वो सेल से मिलकर बने रहते हैं। देखते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, तो क्या होती है एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर इनका डिफरेंस इनको हम समझेंगे। यहाँ देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओनली प्रोकैरियोट का अगर हम देखें, फाउंड इन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हुए उन्हीं में ही हमारी क्या है प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहती है। सेल्स विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। फिर है एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया। तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ जो सेल प्रेजेंट होती है उनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है इस तरह से, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है। नॉर्मली न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इस तरह से। लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके ऊपर क्या डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है। इस तरह से यूकैरियोट में है मोर कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर क्या काफी सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में हमें दिखाई देती है। सेल्स विद मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यहाँ क्या है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे जो सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यहाँ अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देखें, यह है प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, ये देखो इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स पड़े हैं,
ये फिर है यहाँ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या है, इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट के लिए फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है। यहाँ हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए, एंड यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, ये सारे हम वन बाय वन करके जो सेल की कंपोजिशन है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी ऑर्गेनेल्स को क्या है हम देखेंगे बाद में। फिर है जेल लाइक, यहाँ कैप्सूल पाया जाता है, एंड इसके अंदर फिम्बरी भी पाई जाती है इसके स्ट्रक्चर में। यह है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक सेल में यह है सेल मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियस, ये देखो अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोलस होती है इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है। फिर है न्यूक्लियस विद हेरिडेटरी मटीरियल, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हेरिडेटरी मटीरियल हमारा डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम जो है वो सब प्रेजेंट इसके अंदर ही रहते हैं। फिर उसके बाद है हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स, ये है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है ईआर, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिस ईआर के ऊपर रफ ईआर, इस तरह से ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे इसके अंदर दी हुई, छोटा सा स्ट्रक्चर दिख के बारे में ही बता रखा था अभी, थोड़ी लार्ज स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से हम अभी समझते हैं। रुको, तो ये है इनके डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस भी देखें, मैं तीन चार स्लाइड लाई हूँ जिसमें आपको अच्छा डिफरेंस लगे आप उसको देखना, क्योंकि यहाँ क्या है बीएससी लेवल तक के जो डिफरेंस आते हैं वो थोड़े कम आते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा डिफरेंस आते जाते हैं, इसलिए मैं तीन चार स्लाइड लाई हूँ। यह है टाइप्स ऑफ सेल, यह क्या है, ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों टाइप का रहता है। फिर है सेल की साइज, सेल की साइज अगर हम देखें तो यहाँ वेरी करती है, रेंज इन साइज फ्रॉम 0.2 μm टू 2.0 μm इन डायमीटर, और यहाँ क्या है 10 μm से 100 μm इनका डायमीटर होता है। फिर है सेल वॉल, यूजुअली प्रेजेंट रहती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। फिर यहाँ है व्हेन प्रेजेंट, यहाँ क्या, यहाँ प्रेजेंट होती है केमिकली सिंपल होती है नेचर में। फिर है न्यूक्लियस, यहाँ पर एबसेंट होता है, न्यूक्लियस की जगह यहाँ होता है, दे हैव ए न्यूक्लियर रीजन इन द सेल, और यहाँ नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन वाला वो प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप। यहाँ क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं कंपेयरली लार्जर इन साइज एंड लीनियर इन शेप। फिर यहाँ है डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है ये सर्कुलर होता है, यहाँ पर क्या है लीनियर होता है, सर्कुलर मतलब इस टाइप से हमारा जो डीएनए है वो प्रेजेंट रहता है इस तरह से, और यह लीनियर का मतलब इस तरह से हमारा डीएनए प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एबसेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी हम यहाँ लेना चाहें तो यहाँ एबसेंट होता है एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये है और थोड़े ज्यादा आपके करेक्टर्स, अगर इनको हम देखें, यहाँ है इसके करेक्टर यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ देखिए, एनी सेल दैट कंटेन्स ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ क्या बोला गया है, यूकैरियोटिक सेल में क्लियरली डिफाइंड हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, डबल मेम्ब्रेन वो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Any unicellular organism that does not contain a membrane-bound nucleus or organelles, यहाँ क्या होता है, जैसे कि ईआर हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, इस टाइप के ऑर्गेनिज यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, membrane bound organelle नहीं होते हैं एंड ये क्या होता है, unicellular organism होते हैं। एग्जाम्पल है एनिमल, प्लांट, फंगी एंड प्रोटिस्ट सेल्स। यहाँ क्या है, बैक्टीरिया एंड आर्की। न्यूक्लियस जो होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि यहाँ एब्सेंट होता है, इसकी जगह पर न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट रहता है। सेल की साइज जो मैंने अभी आपको बताई थी 10 to 100 μm, यहाँ पर होती है लेस देन ए माइक्रोमीटर, 0.2 to यहाँ 5 μm दे रखी है, तो ये थोड़ी वेरी करती है साइज। फिर है डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है हाईली रेगुलेटेड होता है बाय सिलेक्टिव ओरिजोन्स एंड सीक्वेंसेस। यहाँ क्या है, रेप्लिकेट्स एंटायर जीनोम एट वंस।
पूरा जो जिनोम होता है उसमें एक ही बार ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पर क्या है, हमारे जो डीएनए होता है उसमें हम कहीं से भी हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा सकते हैं किसी भी रीजन से। फिर है ऑर्गेनिज्म टाइप, यूजुअली ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसमें यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं मोर देन वन यहाँ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम ये होता है ना प्रेजेंट रहते हैं। फिर है वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लास्टिड्स, सॉरी प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होता है, हमारे जो आरएनए होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा एक सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। फिर है हमारे राइबोसोम, जिसमें लार्ज होते हैं साइज में, इसमें स्मॉल होते हैं, जबकि ग्रोथ रेट और जनरेशन टाइम जो होता है इसका बहुत स्लो होता है, इसका बहुत हाई होता है। ये ऐसा क्यों होता है, प्रोकैरियोट्स का जो जनरेशन टाइम जो होता है फास्टर इसलिए होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो भी क्या है बहुत शॉर्ट होता है। इस वजह से क्या है, इनको थोड़े से टाइम में ही अपनी ग्रोथ या अपनी पॉपुलेशन को जितना चाहे वो उतना बढ़ाते हैं एंड देन उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। जबकि हम प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, धीरे धीरे इसलिए होती है क्योंकि हमारे लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम धीरे धीरे एक सिक्वेंस में ग्रो करते हैं। यहाँ है ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट होते हैं या एबसेंट होते हैं मोस्टली। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ क्या है ऑल यूकेरियोटिक है, दिस एबिलिटी सभी में होती है एंड यहाँ पर ऑल प्रोकैरियोटिक है दिस एबिलिटी। फिर है सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, सिंपल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगी। यहाँ क्या है, जो एनिमल सेल्स जो होती है उसके अंदर क्या है सेल वॉल एबसेंट होती है एनिमल सेल, क्योंकि सेल वॉल जो होती है हमारे जैसे कि प्लांट सेल हुई और एनिमल सेल हुई इनमें भी क्या है कुछ डिफरेंस पाया जाता है। जैसे एक तो सेल वॉल का हो गया, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में क्या है सेल वॉल हमारे एबसेंट रहती है। इसी तरह से हमारे जो सेंट्रियोल होता है उसका भी डिफरेंस देखा जाता है एंड क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस देखा जाता है, वैक्यूल का डिफरेंस देखा जाता है। क्या है हमारे सेल वॉल जो होती है फंगी और प्लांट्स में ही प्रेजेंट रहती है जबकि एनिमल सेल में एबसेंट रहती है। यहाँ क्या है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहती है एंड साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। ये था हमारे डिफरेंस। अब इसके हम थोड़ा सा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर हम देख, पहले हम प्रोकैरियोटिक की देखते हैं। ये देखो इसमें पीली होती है, ये क्या है सबस्ट्रेट से मतलब सरफेस से अटैचमेंट के लिए क्या है हमारा पीली हेल्प करता है। इसी तरह से हमारे यहाँ क्या है फ्लैजिला पाया जाता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर है प्लाज्मिड, ये क्या है डबल सर्कुलर डीएनए टाइप का स्ट्रक्चर होती है, हमारे जो डीएनए होता है उसी के जैसा होता है। अगर ये सेल में नहीं प्रेजेंट होगा तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट रहता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है हमारी सेल को, ये है प्लाज्मिड। फिर है यह न्यूक्लियोइड आरएनए, सॉरी डीएनए ये दिया हुआ, ये देखो। फिर है सेल वॉल, ये सेल वॉल है एंड ये है कैप्सूल, एंड इसके अंदर वाली लेयर को अगर हम बोलना चाहे ये है सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर थी, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सॉरी यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर। यहाँ है नॉर्मली प्लाज्मा सेल, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ठीक मैंने यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ दिया हुआ है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर है यहाँ ये छोटे छोटे डॉट डॉट से जो है ये हमारे राइबोसोम्स हैं एंड ये साइटोसोल हमारे हैं ही, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद है यहाँ राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे डॉट डॉट जो है ये राइबोसोम्स है एंड ये है हमारे साइटोप्लाज्म, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग भी अपन बोलते हैं, ये है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सब क्या है हमारे जो साइटोस्केलेटन होते हैं उन्हीं के ही पार्ट होते हैं। अब हम नॉर्मल देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों, ये है हमारा न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है इस तरह से, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यूक्लियस पूरा। न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इससे लगा हुआ हमारे क्या पाया जाता है, वो हमारे पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो टाइप का होता है, एक तो रफ ईआर होता है एंड एक होता है स्मूथ ईआर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है इस तरह से, ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है या मैट्रिक्स जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है इस तरह से देखो, ये देखो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, तो मैं वापस से इसको थोड़ा येलो से बनाऊं, ये देखो इसमें इस तरह से क्रोमेटिन जो है डीएनए
तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है एंड इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट रहता है। ये सारी चीजें मिलकर के क्या है, एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। इसलिए यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है इसको हम वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर इनवेलप। इनवेलप में हमारे इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन दोनों आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो गोल्जी अपरेटस है, फिर है वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का पावर हाउस भी बोला जाता है, फिर है प्रोक्सीजोम्स, ये फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करवाता है। अब यहाँ मैं ये चीज बता रही थी, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इससे लगी हुई हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दो टाइप की होती है, रफ एंड स्मूथ। रफ जो होती है जिसके ऊपर इस तरह से देखो राइबोसोम्स प्रेजेंट, इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं रफ ईआर। जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं रहते हैं, देखो स्मूथ टाइप के प्रेजेंट है, इसको बोलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थी हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको समझ में आई होगी दोनों स्ट्रक्चर्स, बहुत अच्छे से क्लियरली हमारे सारे ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, क्या क्या न्यूक्लियस में कौन कौन से इसके ऑर्गन्स होते हैं वो सब दिया हुआ है, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर इनवेलप। अब हम देखते हैं थोड़े से और डिफरेंस आगे के, ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड ये है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट सो दे डू नॉट हैव ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। अभी हमने देखे थे इसके स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है, जबकि यहाँ पर क्या है, ए डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट सो दे हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यहाँ क्या है, दे डू नॉट हैव मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यहाँ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर जो होती है वो भी एब्सेंट रहती है, जबकि यहाँ प्रेजेंट रहती है। यहाँ है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट है। डीएनए जो है नेम फॉर्म में रहता है, जबकि डीएनए इज इन क्रोमोसोम्स। फिर है राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉलर साइज, ये चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर क्या है, लार्ज साइज के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्या है, फ्री फॉर्म में हमारे साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो इकोलाई होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, कि हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसकी बनी रहती है हमारे सेलुलोज की, एग्जांपल एनिमल। यहाँ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यहाँ क्या है, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स, एग्जांपल है एल्गी, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये थे हमारे दोनों के डिफरेंस। अब हम देखते हैं डिफरेंस के साथ साथ क्या कुछ सिमिलरिटी भी पाई जाती है हमारे दोनों साइड्स में। अगर हम देखें, ये देखो ऑल्डेस्ट सेल टाइप होता है, स्मॉल एंड सिंपल टाइप का होता है, न्यूक्लियस लैक होता है, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं एंड सिंगल सेल टाइप का ये प्रेजेंट रहता है। जबकि हमारे जो यूकैरियोट होता है इवॉल्व हुआ है हमारे प्रोकैरियोट से ही, ये लार्ज होता है एंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का ये होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है एंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलर दोनों टाइप का हमारे यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट रहती है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डीएनए पाया जाता है, दोनों में ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों में ही साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं एंड दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ये दोनों में सिमिलरिटी होती है। अब हम देखें थोड़े से और यहाँ डिफरेंस है जो हमने और स्लाइड्स में नहीं पढ़े हैं, तो इसके साइज को हमने देख लिए है, एग्जाम्पल भी हमें पता है, न्यूक्लियस का भी हमने देख लिया है, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी हमने देख लिया। एक बार वापस से देखते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जबकि यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कौन कौन से, लाइसोजोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फिर है फ्लैजिला, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ है कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल से मिलकर बना होता है। सेल वॉल जो होते हैं यूजुअली प्रेजेंट केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ पर क्या होती है, ओनली प्लांट सेल्स एंड फंगी में ही ये पाई जाती है और ये सिंपल टाइप की प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टीरॉइड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
जो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए देखो अगर मैं बनाऊं, लिपिड बाई लेयर और इसके बीच बीच में क्या है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ क्या है अगर हम देखें, ये है हमारा इंटीकुलर प्रोटीन एंड ये है लिपिड की लेयर्स। यहाँ पर क्या है, बीच बीच में हमारी इस जो मेम्ब्रेन होती है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बीच बीच में क्या है, स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रोल्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो उसकी जो स्टेबिलिटी है या स्टफनेस है वो नॉर्मली बनी रहती है। तो यहाँ क्या है, स्टीरोइड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि हमारे अंदर जो है वो स्टीरोइड्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की उसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो हमारी क्या है इस तरह से लूज हो जाएगी। इसके साइटोप्लाज्म जो होता है, नो साइटोस्केलेटन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोस्केलेटन में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ क्या है, राइबोसोम्स हमारे छोटे होते हैं इसमें लार्जर होते हैं, सेल डिवीजन जो होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, जबकि इसमें होता है माइटोसिस, नंबर जो होता है इंक्रीज होता है माइटोसिस के थ्रू, जबकि यह बाइनरी फ्यूजन में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपना नंबर इंक्रीज करता है। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, यह मोर देन वन होता है, यहाँ पर वन होता है, बट नो ट्रू क्रोमोसोम, एक ही होता है लेकिन वो भी क्या है ट्रू टाइप का प्रेजेंट नहीं होता है, ट्रू मतलब कि वेल डेवलप नहीं होता है। फिर यहाँ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो मियोसिस, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ओनली कॉन्जुगेशन, यहाँ क्या होता है कोई भी प्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इस तरह से यहाँ एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो वो क्या है इस तरह से बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो इसके थ्रू हमारे क्या है एक सेल से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एंड दूसरी सेल में जाता है, जबकि यहाँ पर मियोसिस इन्वॉल्व होता है, मियोसिस में एक सेल से चार होता है एंड फिर होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस से इनका नंबर क्या है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया है कि किस टाइप का इनमें मेम्ब्रेन जो बनी होती है, कैसे क्या होता है, स्टेरॉइड जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको समझा दिया। रिप्रोडक्शन का पॉइंट यहाँ नया था, ये भी समझा दिया है। अब यहाँ आप देखते हैं प्रोकैरियोटिक में नॉन न्यूक्लियस, ठीक है, नो मेम्ब्रेन, एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, नो स्ट्रीमिंग इन द साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन विदाउट मियोसिस, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, पिछली स्लाइड में हमने देखा था। यहाँ सिंपल फ्लैजेला पाया जाता है, स्मॉलर राइबोसोम होता है, सिंपल साइटोस्केलेटन होता है, नो न्यूक्लियस इन सेल वॉल्स एंड नो स्टोन प्रोटीन्स, यहाँ न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से हमारे क्रोमोसोम। स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म में, सेल डिविजन होता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है, लार्जर राइबोसोम, कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन, सेलुलोज जो होता है हमारे इन सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है एंड आरएनए बाउंड टू स्टोन प्रोटीन्स। तो हमारे क्या है स्टोन प्रोटीन्स, कैसे आरएनए को जैसे कि स्टोन प्रोटीन से इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, और इनके चारों तरफ क्या है हमारा सॉरी डीएनए जो है को अनसर्किल किया हुआ रहता है इस तरह से, इस तरह से इसको बाउंड किया रहता है, ये हमारा डीएनए एंड ये है स्टोन प्रोटीन, ये हमारे सॉरी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ये था हमारा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।